नमस्ते दोस्तों, CCMP यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी, इसका जो 2024-25 का एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। इसमें सबसे पहले हमें लगता है NOC फ्रॉम महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो ऑलरेडी है बट बहुत सारी क्वेरीज मुझे आ रही है, तो इसमें काफ़ी सारी क्वेरीज ये वीडियो में मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे कमेंट्स में पता चला है वो सब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले NOC के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अच्छे से पढ़िए और भरिए। उसके बाद उसके साथ में आपको क्या देना है, तो जेरॉक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रंट एंड बैक। तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका फ्रंट एंड बैक का आपको जो है जेरॉक्स लगाना है। अगर आपका रिन्यूअल है तो आपके बैक साइड में आपको स्टैंप रहेगा, अगर रिन्यूअल नहीं है तो आपके बैक साइड में कुछ नहीं है, आप फ्रंट को ही बैक साइड में वहाँ पर अपलोड करना है। आईडी प्रूफ में जो है आप आधार कार्ड ही दे दीजिए, ये बाकी वाले पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, पासपोर्ट ये सब मत दीजिए। अगर आधार है तो आधार दीजिए, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट में आपका काम हो जाएगा, एड्रेस प्रूफ के लिए भी ये लग जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, सेंड ऑल डॉक्यूमेंट टू MCH काउंसिल बाय पोस्ट अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन प्रिंट एंड पेमेंट रिसिप्ट। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी को स्पीड पोस्ट से भेजिए, साथ में उनको ईमेल भी कीजिए, ईमेल करिए, या फिर जो डॉक्टर हरपड़े सर है उनको आप पर्सनली कॉल करके बताइए। क्योंकि अभी क्या होगा, बहुत पूरा महाराष्ट्र से जो लोग एप्लीकेशन भरेंगे वो सब, अगर जिन्होंने ये NOC नहीं निकाली है, सब NOC के लिए भेजेंगे तो उनके पास काफ़ी सारा एप्लीकेशन एक साथ आएगा, तो समय भी लग सकता है। इसलिए आप क्या करिए कि ईमेल से भी करिए, अगर हो सकता है तो आप पर्सनली, आपके पास कॉन्टैक्ट है तो उनको कॉन्टैक्ट भी कीजिए, या MCH को कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और टोटल फीस जो है 2100 है, उसमें 2000 फीस है और 100 रुपीज जो है वो पोस्टेज एंड हैंडलिंग है। तो ये सब जो है समझ में आ गया। NOC के लिए आपको क्या चाहिए, जेरोक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, फ्रंट एंड बैक। तो बैक का बहुत सारा लोगों का क्वेरी था, तो बैक में आपको फ्रंट का ही दे देना है अगर आपके पास नहीं है तो, और एप्लीकेशन और जो पेमेंट आपने किया है। एप्लीकेशन कैसे भरना है इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ईमेल कीजिए। चलिए दूसरा क्वेरी अभी जो है वो है, ये जो फॉर्म अभी भरा जा रहा है प्रिफरेंस के लिए या एलिजिबल होने के लिए, तो इसमें क्या क्वेरीज थी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कौन सा खुल गया, ये नहीं, ये नहीं था, ये एडवाइजरी है। चलो मैं मेरे ड्राइव किधर गया, ड्राइव में जाता हूँ, ड्राइव में हाँ ये वाला। तो हाँ, ये पूरा प्रॉस्पेक्टस है, इसका भी मैंने स्पेशल पोस्ट बन के वहाँ पे डाल दिया हूँ ताकि आप उसको डाउनलोड कर लो। सबके पास तो वैसे भी होगा लेकिन कुछ कुछ लोगों के पास नहीं होता है इसके लिए। हाँ, तो देखिए नेसेसरी सर्टिफिकेट क्या क्या लगेंगे। नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए आपको कोई सिर्फ ओरिजिनल कौन सा भेजना है, तो NOC भेजना है, बाकी नहीं भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। तो कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन और SSC पासिंग सर्टिफिकेट या स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ, जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो लगेगा। डिग्री, डिप्लोमा और PG सर्टिफिकेट, अगर आपका डिग्री BHMS है, डिप्लोमा है DHMS है, पोस्ट ग्रेजुएशन MD या कोई आपने और भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड, उसका वैलिडिटी आप चेक कर लीजिए। फिर रिजर्वेशन अगर कोई है, कास्ट का वैलिडिटी या नॉन क्रिमिलियर वगैरह वो सब जो आता है, ये वैलिड अप टू कब तक चाहिए, 31 मार्च 2025 तक वैलिड चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप डॉक्यूमेंट प्रूफ कुछ रहेगा तो NOC फ्रॉम महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी ओरिजिनल और NHRD। अब NHRD क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 17 पेज नंबर पे है, यहाँ पे देखिए आप 17 पेज नंबर पे आपको दिखा देता हूँ NHRD। ये तो पूरा फॉर्म है, इसको कैसे भरना है इसका पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, इसका पेमेंट कैसे करना है ये भी डाला है, वो आप देख लीजिए। नहीं समझ में आता है तो ये है
कॉलेज की लिस्ट और ये है एनएक्सजर्डी। अब ये एनएक्सजर्डी क्या है, तो जो कोर्ट का केस चालू है उसकी वजह से ये लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको प्रिंट लेना है, आपका नाम यहाँ पे डालिए और फिर आप डेट प्लेस डाल के सिग्नेचर करके इसको अटैच कर दीजिए। ये 32 कॉलेज की लिस्ट है। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ मैं एडवाइस दे देता हूँ कि अगर आप जो भी कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपको अभी जे मेडिकल कॉलेज मुंबई में एडमिशन लेना है और आप ओपन कैटेगरी से हो, तो आप क्या करिए, पहली जो बैच है वहाँ पे इंक्वायरी करके कौन से रजिस्ट्रेशन नंबर, लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको ओपन को एडमिशन मिला है, वो एक इंक्वायरी कर लीजिए। अभी मैं एडवांस में आपको बता देता हूँ कि जे में 33,000 समथिंग तक ओपन को एडमिशन मिला है। EWS और ACBC की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ओपन जिसके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं खाली ओपन है उनको वहाँ तक एडमिशन मिला है। तो अभी जगह कितनी है, 50 में से 25 तो रिजर्वेशन के लिए चली गई, 10% उसमें से ACBC और 10% EWS के लिए चली गई, मतलब ओपन के लिए बची 15 सीट खाली। तो 15 सीट, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर 50,000 वाला या 60,000 वाला वहाँ पे डाल रहा है ओपन का, तो उसको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 33,000 से 35 या 40 तक मोस्टली, क्योंकि इतना 15 सीट के लिए इतना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। तो अगर आप छत्रपति संभाजीनगर में ले रहे हो घाटी में, और वहाँ पे आपको पता चला लास्ट बैच में जो 2023-24 की बैच है उसमें 40,000 तक ही मिला है, और आपका समझो रजिस्ट्रेशन नंबर 65,000 है ओपन कैड, तो आप वहाँ पे प्रिफरेंस देके आपका जो एप्लीकेशन है वो वेस्ट में डाल दोगे। इसलिए ये आपके लिए एक एडवाइस है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए, फिर से मैं आपको चेक लिस्ट जो है दिखा देता हूँ कि आपको फिर से चला गया उधर, सॉरी ये डाउनलोड नहीं किया है मैं डायरेक्टली, बहुत सारी क्वेरीज मेरे को आ रही थी एक्चुअली व्हाट्सएप पे और इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं आपको देखिए ये रिजर्वेशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये रिजर्वेशन है, तो देखिए रिजर्वेशन कैसा है, ओपन के लिए ओपन कैटेगरी के लिए खाली 30% बचा है, तो 30% 15 सीट हो गए खाली ओपन के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और ये बाकी EWS के लिए 10%, ACBC के लिए, तो अगर आपके पास ये है, EWS मेरे ख्याल से ओपन के लिए मराठा लोगों के लिए अभी ख़त्म हो गया है, खाली ये वाला चलेगा, तो वो आप बराबर क्लियर करके फिर फॉर्म भरिए। आपको क्या दिखाना था मुझे एक बार फिर से, ये तो फॉर्म मैंने आपको समझा दिया, ये कॉलेज की लिस्ट भी आपको दिखा दी, NHRD भी आपको दिखा दिया, क्या दिखाना था मुझे, ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया, इसमें कुछ तो दिखाना था मुझे आपको, हाँ ये देखिए, तो ये चेक लिस्ट है, आपको क्या क्या भेजना है, तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट या डोमेसाइल सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी, वैलिड पासपोर्ट ड्यूली अटेस्टेड, सब जो है आप सेल्फ अटेस्टेड करके भेजो, पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, फिर MCH रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विथ रिन्यूअल, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, ये तीनों ओपन है तो नहीं है यहाँ पे नो कर दीजिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप डॉक्यूमेंट अगर है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेना, लिविंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपका LC है, NOC फ्रॉम महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, ये याद रखिए कि यहाँ पे जो आपको NOC देनी है ये ओरिजिनल देनी है, चेंज ऑफ नेम और NOC 3 साल तक वैलिड होती है, जिन्होंने 2023 में निकली है उनकी NOC अभी भी चलेगी, खाली आप MCH को कॉपी के लिए ईमेल कर दीजिए, वो आपको भेज देंगे, बाय पोस्ट भी आ जाएगी, उसका कुछ अगर चार्ज होगा तो आप पे कर दीजिए। चेंज ऑफ नेम अगर कुछ है, मैरिज गैजेट, तो वो एफिडेविट बना के दे दीजिए। EWS के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रूल चेंज हुए हैं, मराठा लोगों के लिए ACBC का कुछ चल रहा है और EWS अभी शायद मिल नहीं रहा है, और अंडरटेकिंग एज पर NHRD, तो सभी क्वेरीज जो है मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या जो वीडियोज है उसके नीचे कमेंट करते हो तो मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।